आज हम आरसीसी स्टार्ट करेंगे। आरसीसी में आज हम आरसीसी का सिलेबस पहले चेक करें देखेंगे, फिर इसके आगे पढ़ेंगे। आरसीसी में यही कुल मिलाकर 11 चैप्टर हैं। सिलेबस आरसीसी रैन रैन और सीमेंट कंक्रीट। सिलेबस पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा फंडामेंटल ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड, तीसरा फंडामेंटल ऑफ लिमिट स्टेट मेथड, चौथा शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ बाय डब्ल्यू एस एम, और पांचवा सिंगली रेनफोर्सेड बीम डिजाइन बाय LSM, और छठा चैप्टर डबली रेनफोर्सेड बीम डिजाइन बाय LSM, और सातवां चैप्टर टी बीम। टी बीम आठवां वन वे स्लैब डिजाइन बाई LSM डिजाइन बाई LSM। नौवां चैप्टर टू वे स्लैब डिजाइन बाई LSM, और दसवां चैप्टर एक्जीएली लोडेड कॉलम डिजाइन बाई LSM। दसवां चैप्टर एक्जीएली लोडेड कॉलम डिजाइन बाई LSM, और ग्यारहवां चैप्टर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। आरसीसी सिलेबस में यही 11 चैप्टर हैं। इसके आगे चैप्टर इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। रेनफोर्समेंट कंक्रीट। आरसीसी में सिलेबस का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन 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 के टॉपिक टॉपिक में मतलब इंट्रोडक्शन चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से पढ़ने हैं। तो टॉपिक में पहला प्लेन सीमेंट कंक्रीट। टॉपिक में मतलब इंट्रोडक्शन टॉपिक में पहला हमें क्या पढ़ना है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, साधारण सीमेंट कंक्रीट। दूसरा रेनफोर्सेड सीमेंट कंक्रीट, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट। तीसरा मटेरियल्स यूज्ड इन आरसीसी, आरसीसी में प्रयुक्त पदार्थ। और तीसरा मटेरियल यूज्ड इन आरसीसी, आरसीसी में प्रयुक्त पदार्थ। और चौथा सुटेबिलिटी सुटेबिलिटी ऑफ स्टील सुटेबिलिटी ऑफ स्टील पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां, इसमें सात टॉपिक है ना, आठ टॉपिक हैं। कौन सा छूट रहा है इसमें? पहला चैप्टर टॉपिक ये होगा, दूसरा टॉपिक ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये हो गया, ये नहीं है इसमें। आरसीसी सिलेबस का पहला इंट्रोडक्शन में टॉपिक में मैंने एक टॉपिक छूट गया था। टॉपिक में पहला टॉपिक है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, साधारण सीमेंट कंक्रीट, रेनफोर्सेड सीमेंट कंक्रीट, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट। तीसरा मटेरियल यूज्ड इन आरसीसी, आरसीसी में प्रयुक्त पदार्थ। सुटेबिलिटी ऑफ स्टील एज रेनफोर्सिंग मटेरियल, प्रबलन पदार्थ के रूप में इस्पात की आवश्यकता, प्रबलन पदार्थ के रूप में इस्पात की आवश्यकता। और पांचवा टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट, प्रबलन इस्पात के प्रकार, करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील एंड कंक्रीट, इस्पात तथा कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। और सातवां टॉपिक है टाइप्स ऑफ लोड ऑन आरसीसी स्ट्रक्चर, सातवां टॉपिक टाइप्स ऑफ लोड ऑन आरसीसी स्ट्रक्चर। और आठवां टॉपिक
मेथड्स ऑफ आरसीसी डिजाइन, यानी कि प्रबलन सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी को प्रबलन सीमेंट कंक्रीट, अभिकल्पन की विधियां, डिजाइन मतलब अभिकल्पन, मेथड मतलब विधियां। इसमें पहले इंट्रोडक्शन चैप्टर में यही 8 टॉपिक हैं। इस 8 टॉपिक में पहला प्लेन सीमेंट कंक्रीट देखेंगे अभी हम। पहला टॉपिक पहला प्लेन सीमेंट कंक्रीट। टॉपिक पहला प्लेन सीमेंट कंक्रीट, साधारण सीमेंट कंक्रीट, हिंदी में इसे साधारण सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। और इसमें है प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड ग्रेवल, सीमेंट सैंड ग्रेवल एंड वाटर इन डिफिनिट प्रोपोर्शन, यानी कि हिंदी में साधारण सीमेंट कंक्रीट बालू गिट्टी पानी का मिश्रण होता है जिसे निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है जैसे चित्र में दिखाया गया है। ये है कोई मिक्स बना हुआ है, इसमें गिट्टी सीमेंट रेता, यानी कि बालू रेता जैसे सीमेंट, ये है गिट्टी सीमेंट रेता बालू, सब कुछ इसमें मिक्स हुआ है, मिक्स होकर प्लेन सीमेंट कंक्रीट बना हुआ है। ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, इसमें स्टील बार का प्रयोग नहीं होगा जिसमें वो प्लेन सीमेंट कंक्रीट है। और इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई, प्लेन सीमेंट कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होता है, यानी संपीड़न सामर्थ्य, और टेंसाइल स्ट्रेंथ लो, एक टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होते हैं, यानी तनन सामर्थ लो होता है। अगर इसमें स्टील बार या कोई बीम है, इसमें दिखाई दे कोई बीम है, इस पर जब लोड लगाया जा रहा है तो यह लोड लगने के बाद इसका डायग्राम बना है, लोड लगने के बाद बेंड होगा, यहाँ पर जब बेंड होगा तो ये ऊपर वाला जोन कंप्रेसिव जोन होगा। जब इसका डायग्राम मतलब जब इस पर दिखाया गया है इसका थ्री डायग्राम, ये वाला जो ऊपर वाला है कंप्रेसिव जोन होगा और नीचे वाला टेंशन जोन होगा। बीम का ऊपर वाला जोन कंप्रेसिव जोन और नीचे वाला टेंशन जोन, और इसके बीम में स्टील बार कहाँ प्रयोग की जाती है, तो उसके टेंशन बार में, यानी टेंशन जोन में प्रयोग की जाती है। कहाँ पर? टेंशन जोन में प्रयोग की जाती है। और ये क्या है, स्टील यानी रेनफोर्सेड स्टील बार, और कहाँ पर प्रयोग होगा टेंशन जोन में प्रयोग होगा। स्टील बार किसी बीम में, ये बीम है, ये आपको बीम दिख रही है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये बीम है और ये न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस है। इस न्यूट्रल एक्सिस का थ्री डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर ये देखो कंप्रेशन जोन, ऊपर वाला कंप्रेशन जोन, नीचे वाला टेंशन जोन, इसके टेंशन जोन में ही रेनफोर्सेड स्टील बार का प्रयोग होगा। और इसमें रेखीय प्रसार गुणांक, यानी कि स्टील का और कंक्रीट का रेखीय प्रसार गुणांक यानी इलांगेशन, यानी कि फैलाव, दोनों समान होगा, कंक्रीट का और स्टील का इलांगेशन प्रसार समान होगा, कितना होगा 12×10⁻⁶ °C। रेखीय प्रसार गुणांक कितना होगा? रेखीय प्रसार गुणांक 12×10⁻⁶ °C।
समझ में आया। एक अल्फा स्टील, मतलब ये अल्फा को ही रेखीय प्रसार गुणांक से डिनोट किया गया है, अल्फा स्टील और अल्फा कंक्रीट, यानी कि स्टील और कंक्रीट का रेखीय प्रसार गुणांक समान होगा, रेखीय प्रसार गुणांक समान होगा। दूसरा टॉपिक रेनफोर्सेड सीमेंट कंक्रीट। दूसरा टॉपिक इसी में रेनफोर्सेड सीमेंट कंक्रीट, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट प्लेन सीमेंट कंक्रीट हैज वेरी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ टू इम्प्रूव द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट रेनफोर्समेंट इज रेनफोर्समेंट इज नीडेड विच कैन टेक ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप्ड इन द स्ट्रक्चर। साधारण सीमेंट कंक्रीट की तनन सामर्थ्य कम होती है, इसकी तनन सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए साधारण सीमेंट कंक्रीट की तनन सामर्थ्य कम होती है उसकी तनन सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए प्रबलन की आवश्यकता होती है, यानी स्टील बार प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, प्रबलन की आवश्यकता होती है तनन सामर्थ्य को सहन कर लेती है। जब उसमें प्रबलन स्टील बार को प्रयोग किया जाता है तो वह सहन कर लेती है। कहाँ पर? टेंशन जोन में। साधारण सीमेंट कंक्रीट की तनन सामर्थ्य कम होती है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट हैज वेरी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि साधारण सीमेंट की तनन सामर्थ्य कम होती है। टू इम्प्रूव द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट रेनफोर्समेंट इज नीडेड विच कैन टेक अप द टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप्ड इन द स्ट्रक्चर। इसकी तनन सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए प्रबलन की आवश्यकता होती है तनन सामर्थ्य को सहन कर लेती है, यानी कि डेवलप्ड इन द स्ट्रक्चर। टेक अप द टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप्ड इन द स्ट्रक्चर तनन सामर्थ्य, टेंसाइल मतलब तनन, स्ट्रेस मतलब सामर्थ्य, टेंसाइल तनन सामर्थ्य को सहन कर लेती है। ओके, नीचे आ जाओ। रेनफोर्सेड सीमेंट कंक्रीट इज ए कंपोजिट मटेरियल विच इज मेड अप ऑफ कंक्रीट एंड स्टील रेनफोर्समेंट, यानी प्रबलित सीमेंट कंक्रीट कंपोजिट मिश्रण होता है कंक्रीट और स्टील का। रेनफोर्सेड सीमेंट कंक्रीट इज ए कंपोजिट मटेरियल विच इज मेड अप ऑफ कंक्रीट एंड स्टील रेनफोर्समेंट, यानी प्रबलित सीमेंट कंक्रीट कंपोजिट मिश्रण होता है स्टील और कंक्रीट का मिश्रण होता है रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्टील
जब उसमें सीमेंट यानी कि जो बनेगा प्लेन सीमेंट कंक्रीट उसमें स्टील का प्रयोग करी है तो वह मिस कंपोजिट मिश्रण हो जाएगा। रेनफोर्सेड सीमेंट कंक्रीट इज ए कंपोजिट मटेरियल विच इज मेड अप ऑफ कंक्रीट एंड स्टील रेनफोर्स सीमेंट। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट कंपोजिट मटेरियल होता है। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट कंपोजिट मटेरियल होता है यानी आरसीसी एक कंपोजिट मटेरियल है। आरसीसी एक कंपोजिट मटेरियल है, कंपोजिट मटेरियल होता है। किसका किसका होता है आरसीसी में? कंक्रीट और स्टील। कंक्रीट और स्टील का। द स्टील रेनफोर्स सीमेंट जनरली इन द फॉर्म ऑफ स्टील बार आर प्लेस इन द टेंसाइल जोन ऑफ द स्ट्रक्चर। जो प्रबलन इस्पात होता है यानी कि आरसीसी स्ट्रक्चर होता है, जो प्रबलन इस्पात होता है सामान्यतः इस्पात की छड़ों के रूप में होता है। इसे तनन क्षेत्र में लगाया जाता है। जो प्रबलन इस्पात होता है यानी जो स्टील बार होता है सामान्यतः इस्पात की छड़ों के रूप में होता है। जैसे दिखा गया इस्पात की छड़ों के रूप में होता है। इसे तनन क्षेत्र में लगाया जाता है। स्टील बार को कहाँ प्रयोग किया जाता है? तनन क्षेत्र में लगाया जाता है। जो प्रबलन इस्पात होता है सामान्यतः इस्पात की छड़ों के रूप में होता है। इसे तनन क्षेत्र में लगाया जाता है। जो स्टील बार होता है मतलब जो बीम दिख रहा है इसके तनन क्षेत्र में स्टील बार को तनन क्षेत्र में लगाया जाता है। आर सी सी इज ए वर्सा टाइल कंस्ट्रक्शन मटेरियल विच इज स्ट्रांग इन कंप्रेशन एज विल एज टेंशन। यानी कि आरसीसी संपीड़न तथा टेंशन दोनों जोन में मजबूत होता है। यानी कि प्रबलित सीमेंट कंक्रीट संपीड़न तथा तनन दोनों में मजबूत होता है। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट संपीड़न तथा तनन दोनों में मजबूत होता है। आरसीसी इज ए वर्साटाइल कंस्ट्रक्शन मटेरियल विच इज स्ट्रांग इन कंप्रेशन एज विल एज टेंशन। यानी कि प्रबलित सीमेंट कंक्रीट संपीड़न तथा तनन दोनों में मजबूत होता है। आरसीसी यानी कि प्रबलित सीमेंट कंक्रीट संपीड़न तथा कंस्ट्रक्शन मटेरियल यानी कि आरसीसी इज ए वर्साटाइल कंस्ट्रक्शन मटेरियल यानी कि आरसीसी का स्ट्रक्चर कंप्रेशन और टेंशन दोनों जोन में मजबूत होता है। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट संपीड़न तथा तनन दोनों में मजबूत होता है। आरसीसी इज ए वर्साटाइल कंस्ट्रक्शन मटेरियल विच इज स्ट्रांग इन कंप्रेशन एज विल एज टेंशन। यानी कि प्रबलित सीमेंट कंक्रीट
प्रबलित सीमेंट कंक्रीट संपीडन तथा तनन दोनों में मजबूत होता है, दोनों में मजबूत होता है। टॉपिक तीसरा टॉपिक मटेरियल्स यूज्ड इन आरसीसी में प्रयुक्त मटेरियल, कौन कौन सा मटेरियल प्रयुक्त होता है आरसीसी में। मटेरियल्स यूज्ड इन आरसीसी, आरसीसी में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ, आरसीसी में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ। रेनफोर्सिंग मटेरियल प्रबलन पदार्थ यानी कि स्टील प्रबलन पदार्थ यानी कि स्टील, इस्पात, हिंदी में से इस्पात कहते हैं। और क्या है, सीमेंट आरसीसी में कौन सा और सीमेंट प्रयोग होता है। और इसमें इस सी का मतलब हो गया, देखा इस आर का मतलब हो गया रेनफोर्सिंग मटेरियल यानी प्रबलन पदार्थ स्टील, और ई हो गया सी यानी कि हो गया सीमेंट, और इस सी का मतलब हो गया कंक्रीट। कंक्रीट में क्या कौन सा प्रयोग होता है, कंक्रीट में कौन कौन सा मटेरियल प्रयोग होता है, तो सीमेंट, कंक्रीट में सीमेंट होता है। और महीन मिलावा यानी कि सेंड बालू। और में कोर्स एग्रीगेट मोटा मिलावा जैसे ग्रेवल बजरी मतलब गिट्टी। कोर्स एग्रीगेट यानी मोटा मिलावा जैसे ग्रेवल मतलब बजरी जैसे गिट्टी। और इसमें वाटर यानी कि पानी मिला जाता है। और इसमें नोट करके है द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर फॉर आरसीसी शैल नॉट बी लेस देन 6 टू 8 यानी कि ना तो आरसीसी के लिए पानी का पीएच मान 6 से कम नहीं होना चाहिए, यानी आरसीसी में जो पानी का प्रयोग होगा वो ना तो 6 से कम और ना ही 8 से अधिक। The pH value of water for RCC shall not be less than 6 to 8 यानी कि आरसीसी के लिए पानी का पीएच मान 6 से कम नहीं होना चाहिए। और द साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट आरसीसी स्ट्रक्चर में जो गिट्टी प्रयोग होगी, आरसीसी स्ट्रक्चर में तो गिट्टी प्रयोग होगी यानी कि कोर्स एग्रीगेट यानी कि मोटा मिलावा। द साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट फॉर आरसीसी स्ट्रक्चर में जो गिट्टी का प्रयोग होगा उसकी साइज 20 mm से अधिक होती है। आरसीसी संरचना के लिए मोटे मिलावे का अधिकतम माप 20 mm होती है। कितनी? 20 mm होती है। 20 mm अधिकतम माप 20 mm होती है जो आरसीसी स्ट्रक्चर है। जो आरसीसी स्ट्रक्चर में जो साइज है गिट्टी की साइज 20 mm होती है। कितने होती है? 20 mm होती है। द साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट फॉर आरसीसी स्ट्रक्चर आरसीसी संरचना के लिए मोटे मिलावे का अधिकतम माप बीस एम एम होती है। कितना? 20 mm होती है। ग्रेड उसी तीसरा ग्रेड ऑफ कंक्रीट की ग्रेड तीन प्रकार की ग्रेड होती है। पहला है ऑर्डिनरी कंक्रीट
ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी कंक्रीट, ऑर्डिनरी कंक्रीट साधारण कंक्रीट, M10, M15 और M20 और स्टैंडर्ड, दूसरा इसमें स्टैंडर्ड कंक्रीट, दूसरा स्टैंडर्ड कंक्रीट, मानक कंक्रीट, मानक कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट यानी कि दूसरा स्टैंडर्ड कंक्रीट यानी मानक कंक्रीट, M25, M25, M30, M35, M40, M45, M50 और M55, M55। तीसरा इसमें हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यानी कि उच्च सामर्थ्य कंक्रीट, उच्च सामर्थ्य कंक्रीट यानी कि उच्च सामर्थ्य कंक्रीट, इसमें M60 यानी M60 के ऊपर की ग्रेड होगी, M60, M65, M70 और M75 और M80, M80 यानी M60, M65, M70। M का मतलब होता है मिक्स, मिक्स में M का मतलब होता है मिक्स, मिक्स में का क्या होगा, सीमेंट होगा, सीमेंट होगा, बालू होगा और गिट्टी होगी, सीमेंट सेंट और ग्रेवल। इसमें M60, M65, M70, M75, M80, जहाँ जहाँ M15, जैसे M एक ग्रेड हो गए, M15 ग्रेड का कोई कंक्रीट हो गए, M15 का कोई ग्रेड हो गए, M15 के ग्रेड में M का मतलब होता है मिक्स, M का मतलब होता है मिक्स, और उसमें मिक्स में क्या क्या होगा, सीमेंट होगा, सेंट होगा और बालू होगा, सीमेंट होगा, सेंट होगा, बालू होगा। और इसमें 15, जो 15 लिखा हुआ है, 15 का मतलब एक करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को दर्शाता है, यम का मतलब है जो इसमें लिखा है, यम क्या है यानी M15, जो ये 15 लिखा है, एक करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर, एक करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को दर्शाता है और करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का मात्रक न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर, करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का मात्रक न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर, न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर, न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर यानी कंक्रीट का अभिलक्षणिक सामर्थ्य न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर, न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर। जैसे जैसे इसमें ग्रेड M15, M यानी M5 से लेके M25 तक, M5 से लेकर M25 यानी कि M5 से लेके M25 तक के ग्रेड को मतलब वैसे देख लो, ग्रेड ग्रेड में जैसे सीमेंट सेंट और ग्रेवल, सीमेंट सेंट और ग्रेवल, जैसे M15 का मिक्स कितना होगा यानी कि मिक्स है, मिक्स में M15 का मिक्स कितना होगा, तो इसमें एक सीमेंट बोरी लगेगा, एक सीमेंट यानी एक सीमेंट बोरी और 5 सीमेंट गिट्टी और 10 सीमेंट यानी 5 सीमेंट बालू, एक सीमेंट एक बोरी सीमेंट, 5 बोरी इसमें बालू और 10 बोरी गिट्टी। ये है मिक्स, M5 का क्या है मिक्स है, इसमें M5, M7.5, M10 और M15 और M20, M25 का जैसे मिक्स बनाना है तो इसमें कितना रेशियो होगा इसका ये दिखाया गया। जैसे इसमें सबका एक एक होगा, सीमेंट में सबको इसे एक एक बना दो, और इसमें रेशियो में यस यस के नीचे ये M15 का रेशियो है तो M5 लिखो और सब में एक एक घटाते हुए चले आओ, सब में एक एक घटाते हुए चले आओ, तो एक घटेगा 4 आएगा, इसमें एक घटेगा 3 आएगा, इसमें एक घटेगा 2 आएगा, इसमें 2 का आधा ना करके डेढ़ फिर 1, और इसमें इसे दुगना कर दो, इसमें इसे दुगना कर दो, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूना 4, अब इसका करोगे 3, 2 से इसमें 1.5 से पूरा करोगे
दो से इसमें करोगे 15 दूना 30, यानी कि 3 0 हट जाएगा, 3 आ जाएगा, और इसमें 2 से गुणा करोगे तो 1 दुकन 2 कितना आ जाएगा, 2। इसका यही यानी ये रेशियो है, रेशियो पूछता है कभी कभार। तो m5 से लेके m25 तक का रेशियो ऐसे निकाला जाएगा। और सीमेंट पे सब पे एक एक होगा, और सेंट यानी बालू पे पहले 5 से स्टार्ट होगा, एक एक कम होते हुए आएगा, और फिर उसका जो सेंट है यानी बालू, इसका दुगना हो जाएगा। तो इसमें ग्रेवल यानी कि गिट्टी का मान आ जाएगा, गिट्टी का। और इसमें पूरा रेशियो, जैसे हम 15 का रेशियो पूछे तो 1:1:5 यानी 1:5:10 के रेशियो में आएगा। करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। द स्पेसिफाइड करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज डिटरमिनेट फॉर 150 mm साइज क्यूब एट 28 डे। क्यूब 150 mm, 150 mm साइज क्यूब एट 28 डे। द करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज डैट स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल एंड 95% टेस्ट रिजल्ट आर पास। अभिलाक्षणिक सामर्थ्य 150 mm साइज के कंक्रीट के घन पर कितना, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य 150 mm साइज के कंक्रीट के घन पर 28 दिन पर ज्ञात की जाती है। 150 mm साइज के कंक्रीट के, 150 mm साइज के कंक्रीट के घन पर, 150 mm साइज के कंक्रीट के घन पर 28 दिन पर ज्ञात की जाती है। कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य वह सामर्थ्य होती है जिस पर 5% से अधिक टेस्ट रिजल्ट फेल नहीं होते हैं, तथा 95% टेस्ट रिजल्ट सही रूप से प्राप्त होते हैं। इसे एफ सी के से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम एम स्क्वायर में, जैसे एक मिक्स है m20 में एफ सी के, इसका 20 न्यूटन प्रति m² एक कोई जैसे क्यूब है, ये क्या है, क्यूब है, इसमें 28 दिन खातिर कितना 150 mm यानी कि 15 सेंटीमीटर, यहाँ 15 सेंटीमीटर हो या 150 mm, 150 mm पर 28 दिन के खातिर। अभिलाक्षणिक सामर्थ्य 150 mm साइज के कंक्रीट के घन पर 28 दिन पर ज्ञात की जाती है। जैसे इसमें m20 क्या है, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य है। इसी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य को निकालने के लिए इस किया जाता है मतलब जो है करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, यहीं से निकाला जाता है करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को, यहीं से अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। अभिलाक्षणिक सामर्थ्य 150 mm साइज के कंक्रीट के घन पर 28 दिन पर ज्ञात की जाती है। कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य वह सामर्थ्य होती है जिस पर 5% से अधिक टेस्ट रिजल्ट फेल नहीं होते हैं, तथा 95% टेस्ट रिजल्ट 95% टेस्ट रिजल्ट सही प्राप्त होते हैं। इसे एफ सी के से प्रदर्शित करते हैं। और करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का मात्रक न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर में लिया जाता है। न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर में करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का मात्रक लिया जाता है। नॉट करके देखो इसमें मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट ऑफ कंस्ट्रक्शन नोट करके मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट ऑफ कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण कार्य, निर्माण कार्य में प्रयोग, निर्माण कार्य में प्रयोग कंक्रीट की न्यूनतम ग्रेड, निर्माण कार्य, निर्माण कार्य, निर्माण कार्य में प्रयोग कंक्रीट की न्यूनतम ग्रेड, कंक्रीट की न्यूनतम ग्रेड, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट ऑफ कंस्ट्रक्शन, निर्माण कार्य में प्रयोग कंक्रीट की न्यूनतम ग्रेड, निर्माण कार्य में प्रयोग, निर्माण कार्य में प्रयोग प्रयोग कंक्रीट की न्यूनतम ग्रेड, जैसे पीसीसी, पीसीसी वर्क के खातिर, प्लेन सीमेंट कंक्रीट के खातिर पीसीसी वर्क के खातिर M15 ग्रेड का प्रयोग हुई। और आरसीसी वर्क यानी कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट M20 ग्रेड का प्रयोग हुई, M20 का प्रयोग हुई। और तीसरा वाटर टैंक में M20 का प्रयोग हुई यानी M20 का प्रयोग हुई ग्रेड। और पीसीसी सब्जेक्टेड टू सी वाटर यानी कि समुद्र में, कहाँ पर, समुद्र में प्लेन सीमेंट कंक्रीट सब्जेक्टेड टू सी वाटर, समुद्र के खातिर प्लेन सीमेंट कंक्रीट में M20 ग्रेड का प्रयोग हुई, M20 का प्रयोग हुई। और आरसीसी सब्जेक्टेड टू सी वाटर M30 का प्रयोग हुई यानी कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट जब समुद्र में प्रयोग हुई, मिक्स प्रयोग किया जाए तो M30 ग्रेड का प्रयोग हुई, कितना, M30 का प्रयोग हुई। और टू फार पोस्ट टेंशनिंग यानी कि पश्च तनन यानी पोस्ट टेंशनिंग M35 यानी 35 एंड एबव यानी कि 35 से ऊपर ग्रेड का प्रयोग हुई, 35 से ऊपर ग्रेड का प्रयोग हुई फार पोस्ट टेंशनिंग में। और फार प्री टेंशनिंग प्री स्ट्रेस्ड यानी पूर्व प्रबलित और पूर्व तनन कंक्रीट यानी 40 एंड अबव यानी कि 40 यानी कि 40 ग्रेड से ऊपर, 40 ग्रेड से ऊपर प्रयोग हुई, यहाँ 40 ग्रेड से ऊपर, एम 40 से ऊपर। फॉर प्री टेंशनिंग और प्री स्ट्रेस्ड मतलब होता प्रतिबल कंक्रीट यानी कि M40 से ऊपर ग्रेड का प्रयोग हुई, जब पूर्व तनन और पश्च तनन के खातिर यानी पूर्व तनन और पूर्व स्ट्रेस्ड जहां कंक्रीट के ग्रेड का प्रयोग हुई वहां M40 यानी M40 के ऊपर ग्रेड का प्रयोग हुई।